ये संविधान विरोधी फैसला है, इसलिए कि आरक्षण जो हुआ जाति के आधार पर हुआ था एस शेड्यूल कास्ट का, तो जात खत्म नहीं हुआ अभी। ये फैसला सरासर गलत है। ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज को तोड़ने का एक साजिश जैसा लगता है। ये निर्णय गलत है सुप्रीम कोर्ट। ये निर्णय गलत है। क्रिमिनल एयर जो लागू करने जा रहे हैं, जो जजमेंट में है उसमें यह स्पष्ट है कि जिसका बेटा जो एक ग्रुप डी का भी नौकरी प्राप्त कर लिया है उसको आरक्षण का लाभ बाल बच्चा को नहीं मिलेगा। ये टोटल रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग जी। एससी एसटी का बच्चा क्या वो आईएएस नहीं बन सकता? वो भी एक क्रिमिनल, ये क्या क्रिमिनल एयर ले आए? उसके लिए तो बना ही था संविधान में 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको रचना किया था कि भाई एस सी एस टी का बेटा भी आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन इसकी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के वकील हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को हम पीछे नहीं ले जाने देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही क्यों न हो। सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा टिप्पणी आया है कि जो एससी एसटी समाज में आरक्षण प्राप्त हुआ है उसको अब खंडन होगा, मतलब कोटा के अंदर कोटा। इस वक्त हम पटना हाईकोर्ट के बाहर खड़ा है और हमारे साथ तमाम बहुजन समाज के वकील हैं। कोटा के अंदर कोटा लाया गया है, इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट क्या सोचते हैं हम बात करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं कोटा के अंदर कोटा लाया गया? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हमने 6000 जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को जोड़ करके 6 वर्ग बना दिया है भारत के संविधान में, और कहा था कि अगर तुम हमारे कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम पीछे भी करने का काम नहीं करना। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 6000 जातियों को भारत के संविधान में 6 वर्ग बना दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग। अब हम लोग की जिम्मेदारी थी कि इसको और एक कर देते, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति जो 2 वर्ग है उसको तोड़ करके वो क्रीमी लेयर और क्लास 1 अफसर, तो उसको जो गरीब वर्ग है उसको अलग कर रहा है, माने कोटा के अंदर कोटा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि हम एससी एसटी एमबीसी ओबीसी और माइनॉरिटी को एक करेंगे और इस देश में बहुजनों का राज लाएंगे, उस सपना को चकनाचूर करने के लिए फूट डालो और राज करो के फॉर्मूला के तहत ये जो काम हो रहा है। इसलिए हम लोग पूरा पटना हाईकोर्ट के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के वकील हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को हम पीछे नहीं ले जाने देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही क्यों न हो या कहीं के भी कोई कोई न हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? इसकी लड़ाई बिल्कुल वकील समाज ही ये लड़ाई लड़ रहा है और हम लोगों की लड़ाई सफल होगी। वकील कोई लड़ाई हारता नहीं है। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ी तो जीता, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 532 रियासतों को एक किया तो जीत हुई, तो उसी तरह से हम लोग इसको भी जीतेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति में जो तोड़फोड़ किया गया है, अलग सेप कैटेगरी बनाने का प्रयास किया गया, इसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है? क्या नाम ये मेरा नाम है डॉक्टर मुंशी प्रसाद। कैसे और ये संविधान विरोधी फैसला है, इसलिए कि आरक्षण जो हुआ जात के आधार पर हुआ था एस शेड्यूल कास्ट का, तो जात खत्म नहीं हुआ अभी और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है, पार्लियामेंट को है, और जो 56 के बाद से 76 तक लास्ट में बंद हो गया है, किसी ऐड करना जोड़ना वो चीज़ नहीं है। ये जो है एक खिलाफ है और कोई आर्थिक आधार पर करे ये चीज़ नहीं है, है ना। इसलिए जातिगत अभी भी भेदभाव है, सब कुछ है, तो उसके बारे में निर्णय किया जाता है। ये विरोधी है, संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी फैसला है। कैसे देख रहे हैं सर ये जो फैसला आया है? ये फैसला सरासर गलत है। ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज को तोड़ने का एक साजिश जैसा लगता है और कमज़ोर करने जैसा है। ये मुनासिब एकदम ही नहीं है और इससे हमारा समाज बटेगा और नुकसान होने वाला है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और सख्त विरोध करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। ये निर्णय गलत है सुप्रीम कोर्ट। ये निर्णय गलत है सुप्रीम कोर्ट का, गलत है। चलिए, तो ये अधिकार कहाँ से आते हैं? क्या लगता है सत्ता का संरक्षण प्राप्त है केंद्र सरकार को? देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है इसमें। आपका सुप्रीम कोर्ट से लेकर भारत सरकार केंद्र सरकार का बहुत बड़ा मिलीभगत है, इसलिए कि 3 जज का जो बेंच बना उसका डिसीजन
छः जज का जो जजमेंट था उसका डिसीजन को काट के 7 सदस्यीय जजमेंट ये लोग एक साजिश के तहत इस तरह से दिया कि समाज को इस तरह से वर्गीकरण कर दें, लोग एकजुट नहीं हो पाए और समाज को जो प्राचीन काल में जिस तरह से था झड़ुआ बांधा जाता था, कमर में हांडी बांधा जाता था, आज शिक्षा का स्तर उसी स्तर से चाहते हैं कि जो विकास किया है उसको हम उस स्तर में ला दें। और आप समझिए कि जो क्रिमी लेयर जो लागू करने जा रहे हैं, क्रिमी लेयर जो लागू करने जा रहे हैं जो जजमेंट में है उसमें यह स्पष्ट है कि जिसका बेटा जो एक ग्रुप डी का भी नौकरी प्राप्त कर लिया है उसको आरक्षण का लाभ बाल बच्चा को नहीं मिलेगा। आप समझ जाइए कि एक माझी परिवार का भी हमारे सदस्य हैं, एक आपका माझी समाज से हो या आपका डोम समाज से हो, जो भी समाज से हो, उसका एक भी परिवार किसी तरह से अगर उठ गया है उसका एक आने वाला पीढ़ी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है गलत है या फिर सही? बिल्कुल गलत है और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, समर्पित हैं, पूरे अधिवक्ताओं का टोली। हम लोग 8 तारीख को यहाँ गेट नंबर 3 पश्चिमी से पटना हाई कोर्ट से बुद्ध आपके बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा तक हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे और इसके बाद पूरी आंदोलन की तैयारी की जाएगी पूरे देश तक। चलिए, कैसे देख रहे हैं सर जो फरमान आया है सुप्रीम कोर्ट का? भारतीय समाज को 6,743 जातियों में बटे समाज को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से 5 वर्ग बनाया, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जनरल वगैरह, तो उसमें जो बाबा साहब ने निर्धारित की थी आरक्षण का जो रखा था प्रोविजन कि जिन सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो समाज पीछे है उसी के लिए रिजर्वेशन का पैमाना माना गया था, आर्थिक आधार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जो SC ST के विरोध में कोटा के अंदर में कोटा लाना और क्रीमी लेयर के दायरे में लाना, तो ये संवैधानिक जजमेंट नहीं हुआ है, गलत डिसीजन हुआ है। इस डिसीजन को वापस लेने के लिए पूरे भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति 21 तारीख को, इस महीने के 21 तारीख को पूरे भारत को बंद करेंगे, जाम करेंगे और देश के विभिन्न प्रदेशों में इस आदेश के खिलाफ में प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में पटना हाई कोर्ट के 3 नंबर गेट से लेकर के अम्बेडकर जी के मूर्ति तक प्रोटेस्ट जाएगा और संडे के दिन 2 बजे से कारगिल चौक पर प्रोग्राम है इस आदेश के खिलाफ में। जी जी, कैसे देख रहे हैं? माय नेम इज सुभाष पटेल। देयर इज द पॉलिटिकल स्टैंड, टोटली पॉलिटिकल स्टैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, देयर इज SC ST कम्युनिटी, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर साहब जो ने अपना सपना देखा था वो सपना को चकनाचूर कर दिया एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर हम सभी अभी अधिवक्ताओं के, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का इस पर संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा। ये टोटल रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग जी। SC ST का बच्चा क्या वो IAS नहीं बन सकता? वो भी एक क्रिमिनल, ये क्या क्रिमिनल लेयर ले आए? उसके लिए तो बना ही था संविधान में 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको रचना किया था कि भाई SC ST का बेटा भी IAS बने, IPS बने, लेकिन इसकी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। हम सभी पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इसकी लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप पे लड़ेंगे। चलिए, तो ये देखिए वकीलों का फौज है, कहाँ आता है इतना पावर सुप्रीम कोर्ट का, जबकि ये तो लोकसभा का मामला है। बिल्कुल, ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है और इस सब में तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। संविधान के आर्टिकल 211 212 में सेपरेशन ऑफ पावर है कि पार्लियामेंट के कार्रवाई में, काम में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना है और सुप्रीम कोर्ट के काम में पार्लियामेंट को दखल नहीं देना है। तो ये जो पॉलिसी डिसीजन का मामला है, किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कहाँ जातीय जनगणना होगा कि नहीं होगा, ये सब पॉलिसी डिसीजन का मामला है और ये पार्लियामेंट में फरियाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म किया है, न्यायिक सक्रियता दिखलाया है और SC ST को 2 वर्गों में बांटा है कि क्रिमिनल लेयर हो जाएगा और एक जो है जनरल हो जाएगा। तो इसका मनसा सीधे सीधे यही है कि जो गरीब वर्ग का SC ST है उसको कह दो कि इसमें मेरिट नहीं है, इसलिए इसको छांट दो, मेरिट के आधार पर गरीबों को नॉट फाउंड सुटेबल कर दो, और जो क्रिमिनल लेयर जो थोड़ा पढ़ लिख गया है उसको ये कह करके छांट दो कि ये सब जो है क्रिमिनल लेयर में आ गया, इसलिए इसको आरक्षण नहीं देंगे। तो दोनों तरफ से आरक्षण खत्म होगा और जब नहीं भरेगा कैंडिडेट SC ST का नहीं मिलेगा तो कह देगा कि अब इसको क्या करें, हम तो जनरल में कर देते हैं इसको। तो ये यही प्लानिंग है।
और ये प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही है कि एससी एसटी के कोटा को कैसे खा जाया जाए, और उसी के तहत ये जजमेंट एक प्लानिंग के तहत किया गया है। इसलिए हम लोग साफ सुथरे शब्दों में आलोचना करना चाहते हैं कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 16 है, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई न्यायाधीश भी अगर गलत काम करता है, संविधान के बाहर करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, तो सेक्शन 16 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कहता है कि प्रूव्ड इनकैपेसिटी के आधार पर, प्रमाणित अक्षमता के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज पर भी कंटेम्प्ट का मामला चलाया जा सकता है। 6 महीना तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को भी जेल भेजा जा सकता है, जैसा कि बिहार कह रहे हैं। तो कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है जिसका सेक्शन 16 है, अच्छा। उसके तहत और भेजा भी गया है। आप देखे होंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे, शेड्यूल कास्ट के थे, उन पर कंटेम्प्ट चला करके 6 महीना जेल भेज दिया गया था, सीएस कर्णन साहब को। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज भी, अगर कंटेम्प्ट कोर्ट का होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन, कंटेम्प्ट ऑफ जज एक्ट नहीं है, जज का वायोलेशन नहीं होता है, जज का अवमानना नहीं होता है, ये कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन का अवमानना होता है। इसलिए न्यायाधीश ने भी अगर असंवैधानिक काम किया है तो प्रमाणित अक्षमता के आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत उन पर मुकदमा लाया जा सकता है, कंटेम्प्ट फाइल किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज को भी 6 महीना जेल में डाला जा सकता है। चलिए तो देखिए, ये सभी बहुजन समाज के वकील हैं और पटना हाई कोर्ट के बाहर इन लोग ऐलान कर दिए हैं कि इसकी लड़ाई लंबी होगी और जज साहब भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई सारे कानून बना हुआ है, जैसा कि जो तमाम एडवोकेट ने खुद कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये गलत है, ये मामला सीधा लोकसभा का है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता है, ऐसा संविधान में कोई कानून नहीं प्राप्त है प्रावधान है कि जो सब एससी एसटी आरक्षण को छेड़छाड़ कर सके। तो बहरहाल जो एडवोकेट हैं वो तैयार हैं इसकी लड़ाई लड़ने के लिए, और लोग कह दिए हैं कि ये गलत है और जज साहब भी जेल जा सकते हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कॉमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।